एमएस धोनी को मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, उनको अपना चेहरा आईने में देखना चाहिए, कपिल देव का ऐसा हाल कर दूंगा कि दुनिया उन पर थूकेगी। ये शब्द हैं युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह का, जो इस वक्त बहुत वायरल भी हो रहे हैं। क्यों उन्होंने ये सब बातें कही हैं और इस पर आपकी राय क्या रहेगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं योगराज सिंह के विवादित इंटरव्यू की अहम बातों का। दरअसल योगराज सिंह आए दिन जब भी कुछ इंटरव्यू देते हैं तो एमएस धोनी को जरूर वो याद करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कपिल देव का भी जिक्र किया है। एमएस धोनी से नाराजगी की वजह युवराज सिंह भी हैं। उनको लगता है कि युवराज सिंह अपने करियर में और मुकाबले खेल सकते थे, लेकिन धोनी की कप्तानी में उनको ज्यादा मौके नहीं मिले, लिहाजा उनका करियर छोटा हो गया। उन्होंने इसके अलावा और क्या आरोप लगाए हैं आपको बताते हैं, लेकिन उन्होंने एमएस धोनी के बारे में जो जिक्र किया कि मैं एमएस धोनी को माफ नहीं करूंगा, उन्हें आईने में अपना चेहरा देखना चाहिए, वे बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, लेकिन उन्होंने मेरे बेटे के खिलाफ जो किया है वह सब सामने आ रहा है, उन्हें जीवन में कभी माफ नहीं किया जा सकता। मैंने जीवन में कभी दो चीजें नहीं की है, पहला जिसने मेरे लिए गलत किया है मैंने उसे कभी माफ नहीं किया है। योगराज सिंह धोनी को माफ नहीं कर पाएंगे, ऐसा उनका कहना है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, सिर्फ धोनी को ही नहीं, उन्होंने 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान कपिल देव को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, मैं जिंदगी में लोगों को दिखाना चाहता हूं कि योगराज चीज क्या है, जिसको तुमने नीचा गिराया है आज सारी दुनिया मेरे पैरों के नीचे है, सलाम करती है, और जो लोग जिन्होंने बहुत बुरा किया था, किसी को कैंसर है, किसी का घर टूट गया और किसी के घर में बेटा ही नहीं है, आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूं, वो है आपके ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम मिस्टर कपिल देव, उसको मैंने कहा था कि वो हाल करके छोड़ूंगा, दुनिया थूकेगी तुझ पर। ये शब्द योगराज सिंह के हैं कपिल देव के लिए। लेकिन बात धोनी की कप्तानी में युवराज के करियर की करें तो युवराज के करियर जो रहा वो एमएस धोनी की कप्तानी में ही पीक पर था, चाहे 2007 का वर्ल्ड कप हो चाहे 2011 का वर्ल्ड कप हो, इस समय कप्तान धोनी थे, चैंपियन खिलाड़ी युवराज थे। बाकी आपको तय करना है कि इस बयानों में कितनी सच्चाई है और इस नाराजगी में कितना दम है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए, और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंचाइए।